नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आज हम CGPSC मेंस निबंध खंड पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वनांचलों के विकास का नया दौर एवं सरकार के प्रयास। यह टॉपिक हमने हमारी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी खंड पर दिया था, जिस पर आप बहुत सारे लोगों ने अपने ऐसे पोस्ट किए हैं। डिस्कशन कम्युनिटी का हमारा जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपने निबंध लिखें और आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने लिखने के आधार पर जो दूसरे लोगों ने लिखा हुआ है उसको देखें और उसके आधार पर एक बार पुनः अपने लिए नोट्स बनाएं कि दूसरे लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। आप लोग ही वहाँ कमेंट कीजिए कि किन किन पॉइंट्स को कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा स्टूडेंट सुधारे कि उसका निबंध अच्छा बन जाए। यह आप सबके सम्मिलित प्रयास से ही संभव हो पाएगा कि वहाँ पर आप लोग अगर अपनी भूमिका निभाते हैं तो वहाँ आप सब का विकास होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इस निबंध को हम किस प्रकार देखते हैं और कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि हम जब कोई निबंध लिखेंगे तो हम सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे कि टॉपिक क्या है, और उसके बाद उस टॉपिक को सामान्य तरीके से हम किस प्रकार सोचते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वह यही होगा कि हम सामान्य तरीके से इस टॉपिक को किस तरीके से देखते हैं, वे कौन से टॉपिक हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि इन इन बातों को तो कम से कम लिखा जा सकता है और इसके लिए हमें किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत, किसी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो अगर मैं टॉपिक देखूँ तो छत्तीसगढ़ में वनांचलों के विकास, यहाँ है वनांचल। यदि आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो आप पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग 44% जो हिस्सा है वनों से आच्छादित है, अर्थात एक बहुत बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का किससे संबंधित है, वनों से घिरा हुआ है। और इन वनों के विकास से ही, इन वनों के विकास, अगर 44% हिस्सा यहाँ का वनों से आच्छादित है तो इन वनों के विकास से ही छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। अब इस 44% क्षेत्र पर लोग रहते हैं, इसमें एक बड़ी आबादी आदिवासी जनसंख्या की रहती है, एक बड़ी आबादी आदिवासी जनसंख्या की है। तो वनांचलों का विकास, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास, अर्थात एक बड़ी जनसंख्या जो वहाँ आदिवासी वर्ग निवास करता है उसका विकास इससे जुड़ जाता है। ठीक, अब इन क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में जो विकास है वह बहुत कठिन है, दुर्गम है वहाँ पर जीवन यापन करना, ये हमें सामान्य रूप से समझ में आता है। तो यही हमारा लगभग क्या बन जाता है, इंट्रो का टॉपिक बन जाता है कि छत्तीसगढ़ में इतनी परसेंट क्या है, हमारा वन क्षेत्र है और यहाँ पर एक बड़ी आबादी आदिवासी जनसंख्या रहती है, और इसी के आधार पर हम अपना ऐसे अब आगे लिखेंगे। एक बात आप लोगों ने पूछी थी कि बहुत से लोग अपने निबंध में कविताएँ लिखते हैं या कोटेशंस लिखते हैं, क्या वह ज़रूरी है या नहीं। देखिए, हमारा वर्तमान में जो निबंध है वह लगभग 750 शब्दों का है। अगर आप इसके आधार पर देखें तो आपके पास निबंध लिखने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो जगह चाहिए एक निबंध के रूप में, ये जगह हमें कम लगती है। जब 1500 शब्दों में निबंध आते थे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बड़े कोटेशंस या बड़ी कविताएँ लिखी जा सकती हैं, पर क्या अब नहीं लिखी जा सकती? नहीं, अब भी आप कोटेशन लिख सकते हैं और आप अपनी कोई कविता भी लिख सकते हैं, पर वे कविताएं ऐसी ना हों कि 6 से 8 लाइन की जगह लें। वे कविताएं 2 लाइन से 3 लाइन के बीच की होनी चाहिए। आप 1 लाइन के कोटेशंस दे सकते हैं या 2 लाइन की छोटी सी कोई कविता लिख सकते हैं और उससे अपना ऐसे प्रारंभ कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि 6 लाइन या 8 लाइन की कोई रचना आपकी वहाँ पर ना हो। अगर मैं फिर से टॉपिक पर आऊँ तो सामान्य रूप से जो मैं आदिवासी जनसंख्या या वनांचल क्षेत्रों में देखता हूँ, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि इन क्षेत्रों में खनिज हैं, चाहे लोहे की बात की जाए, चाहे कोयले की बात की जाए, डोलोमाइट की बात की जाए, सभी खनिज वनांचल क्षेत्रों और आदिवासी जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में ही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक बनता है कि यहाँ जो खनन गतिविधियाँ हैं वो यहाँ की आबादी को प्रभावित करती हैं। ये हमने जाना कि खनन गतिविधि, अभी मैं जो बता रहा हूँ एक सामान्य तरीके से सोच रहा हूँ कि सामान्य रूप से हम एक वनांचल क्षेत्र को किस प्रकार से देखते हैं, और अगर इन चीज़ों को सरकार एड्रेस कर रही है, इन चीज़ों की ओर सरकार ध्यान दे रही है, तब तो वह विकास के इस दौर को शुरू करने का प्रयास कर रही है। यदि इन पर वह ध्यान नहीं देगी,
इसका अर्थ है वह अभी इन क्षेत्रों के विकास पर कार्य नहीं कर रही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि क्या सामान्य रूप से आप सोच सकते हैं। तो सामान्य रूप से हमने ये सोचा कि खनन गतिविधियां जो वहां पे हो रही हैं वे खनन गतिविधियों को बढ़ावा ना दिया जाए और जो बड़े उद्योग वहाँ लगे हैं उससे वहाँ की जनसंख्या प्रभावित होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो इसलिए बड़े उद्योगों का भी विकास ना किया जाए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। पर कुछ बड़े उद्योग और खनन उद्योगों का विकास हो चुका है और जिनका हो चुका है उसे बंद करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आवश्यकता है, क्यों ना वे बड़े उद्योग और वो खनन उद्योग जो वहाँ विकसित हो चुके हैं वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे दिया जाए और उन्हें वहाँ काम मिल जाएगा तो वह उनके आर्थिक समस्या को कम से कम दूर कर ले जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे सामान्य समझ में ये दो चीज़ें आती हैं, खनन उद्योग और बड़े उद्योग। फिर हम देखते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि खनन उद्योग और बड़े उद्योगों को वहाँ के जनजीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं तो रोजगार और आर्थिक परिस्थिति को अच्छा करने के लिए वहाँ के लोगों को कोई रोजगार तो चाहिए ही, तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को वहाँ कुटीर उद्योगों का विकास करने के बारे में सोचना चाहिए, अर्थात वन के जो उत्पाद हैं उनके बारे में, जो वहाँ स्थानीय रूप से चीज़ें पाई जाती हैं उनके विकास के, उनके व्यापार के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के बारे में वह अच्छा सोच रही है। तो ये दो हमारे सामान्य रूप से बातें होंगी। अब अगर आप और जानना चाहें कि और क्या हो सकता है उस क्षेत्र में, तो किसी भी सभ्यता या संस्कृति के विकास में कृषि अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि का विकास ही एक वास्तविक विकास को लेकर आता है और मानव विकास में आप देखें तो मानव ने एक स्थायी निवास रहना ही कब स्टार्ट किया, जब उसने कृषि प्रारंभ की। तो इन क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए सरकार क्या कर रही है यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है हमारे निबंध में। अब वर्तमान परिस्थितियों में आप देखते हैं कि शिक्षा एक बहुत अहम चीज़ है, तो सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए क्या कर रही है यह भी आपको देखने को वहाँ पर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने ये कहा कि इन क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या निवास करती है और यह कहीं शोषण का शिकार भी हुई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इनका शोषण निश्चित रूप से किया है। तो इस शोषण से संरक्षण की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वे ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं इसलिए दूसरे लोग उनके ऊपर शासन कर पाते हैं। तो उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है और उनके संरक्षण की ज़रूरत है। तो हम ऐसे कौन से कानूनी प्रावधान करें जिनसे इनका संरक्षण किया जा सके, तो संरक्षण संबंधी क्या कोई कार्य राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा किया जा रहा है क्या? अगर ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इनके विकास के बारे में सोचा जा रहा है। अब हम छत्तीसगढ़ के वनांचलों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं कि यहाँ एक नक्सलवाद की समस्या है। तो नक्सलवाद की समस्या के संबंध में सरकार के क्या विचार हैं, सरकार कैसे कार्य कर रही है और उस समस्या के समाधान के बारे में सरकार क्या सोच रही है, इसके आधार पर भी उसके विकास की नीतियों को समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसको। फिर आप देखते हैं कि हमने कहा था कि सांस्कृतिक रूप से जो हमारे वनांचल हैं और हमारी आदिवासी जनसंख्या है वह बहुत ही समृद्ध है। तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रयास कर रही है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी संस्कृति और इनके विकास के संबंध में कोई प्रचार या प्रसार का कार्य क्या कर रही है? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार इनके विकास के बारे में सोच रही है। तो ये कुछ आम समझ के बिंदु हमारे बनते हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि सरकार अगर इन पर कार्य कर रही है तो इनके बारे में अच्छा कुछ सोच रही है। अब जब मैं सामान्य रूप से इन पॉइंट्स को देखता हूँ और इन पॉइंट्स को ही मैं सरकार की योजनाओं से मिलाता हूँ, अब योजनाएँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं इनके संबंध में, सरकार क्या कर रही है, तो मैं अब आगे देखता हूँ एक एक करके जो हमने पॉइंट्स देखे क्या सरकार उन पॉइंट्स पर अपना कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि आज का जो हमारा निबंध है बहुत ही कंटेंट बेस्ड होगा। हमने सामान्य रूप से पहले सोच लिया कि वे कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए, तो हमने कुछ 5 से 7 पॉइंट निकाले जो हम सामान्य रूप से सोच पा रहे हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम कंटेंट इकट्ठा करने गए कि क्या क्या सरकार ने इन पर किया हुआ है। तो अब आगे हम देखते हैं कि सरकार ने इन विभिन्न सेक्टर्स पर क्या क्या किया है।
तो जैसा हमने कहा कि हम देखते हैं खनन उद्योग के संबंध में सरकार ने क्या किया। तो खनन उद्योग के संबंध में जब सरकार बनी तो सरकार ने जो सबसे पहला निर्णय लिया वह यह था कि लोहांडीगुड़ा और तोपपाल क्षेत्र में जो बड़े उद्योगों और खनन उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था उसे इन्होंने किसानों को वापस किया। अर्थात जो हमने पहले बात की थी उस पर सरकार ने चरितार्थ किया और सरकार ने आदिवासियों की ज़मीन को उन्हें वापस किया। यह सरकार का एक पहला कदम था जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में वनांचल क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य करने के लिए तत्पर है। दूसरा अगर हम देखें तो सरकार ने बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया और इसके माध्यम से यह कहा गया कि जो स्थानीय स्तर पर नौकरियां होंगी उनको संभाग स्तर पर ही जो हमारा यह बोर्ड है वह रिक्रूट करेगा या उन्हें नियुक्तियां देगा, इस संबंध में भी कार्य किया गया। साथ ही जो हमारी वर्तमान सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति लाई गई उस औद्योगिक नीति में यह कहा गया कि अगर कोई उद्योग नया स्थापित किया जाता है आदिवासी क्षेत्रों या वनांचल क्षेत्रों में तो वहाँ 100% अकुशल श्रमिक, जो भी अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति होगी वह 100% वहाँ के स्थानीय लोगों को आरक्षण होगा। अर्थात अकुशल श्रमिकों में वहाँ के स्थानीय लोगों को ही जगह दी जाएगी, अन्य कहीं बाहर से लोगों को वहाँ नहीं लाया जाएगा। साथ ही जो उद्योग वहाँ स्थापित हैं जैसे कि एनएमडीसी जो है अपने ग्रुप डी और सी के एग्ज़ाम दंतेवाड़ा, जगदलपुर जगहों या रायपुर में भी नहीं लिया करता था, तो उनसे ये कहा गया कि वे अपने सी और डी ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वे दंतेवाड़ा क्षेत्र में ही लेंगे। तो इस प्रकार आप देखें तो बड़े उद्योगों के संबंध में सरकार ने इस प्रकार से अपने प्रयास किए। ये आप कंटेंट लिख रहे हैं कि चार पॉइंट हैं जिनमें सरकार ने देखा है कि खनन और बड़े उद्योगों के संबंध में सरकार ने कुछ अपने निर्णय लिए। फिर कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में जो हमने बात की थी तो कुटीर उद्योगों के सेक्टर में सरकार ने क्या किया, तो कुटीर उद्योगों में सबसे पहला जो सरकार ने निर्णय लिया वह इन्होंने यह निर्णय लिया कि कोंडागांव क्षेत्र में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट हम बनाएंगे, सुकमा और बस्तर जिला में फूड प्रोसेसिंग पार्क हम बनाएंगे। साथ ही इस क्षेत्र में जो क्षीरसागर योजना चल रही थी और हर्बल कृषि के संबंध में जो कार्य हो रहे थे उनको इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही कोंडागांव जैसे जिलों में बेल मेटल पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा था, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए या इनकी बातों को समझाने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया। तो इस प्रकार से आप देखें तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार तत्पर है तथा इनके विकास के लिए अपना कार्य कर रही है। तो जो हमने शुरू में दो पॉइंट सोचे थे, खनन, बड़े उद्योग और कुटीर उद्योग, तो इसके संबंध में हम इन आठ पॉइंट के आधार पर यह लिख सकते हैं कि सरकार इस ओर कार्य कर रही है और यही हमारा कंटेंट है। इसी को हमें अपने निबंध के रूप में शामिल करना है कि इन किन बातों पर सरकार अपना कार्य कर रही है। आगे अगर आप अन्य कुछ और पॉइंट शामिल करना चाहें कि सरकार उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कर रही है, तो सरकार ने एक और कार्य किया कि 22 वनों उपजों का, जो वन में जो वन के उत्पाद होते हैं उन 22 उत्पादों को इन्होंने समर्थन मूल्य में लेने की घोषणा की। साथ ही इन्होंने जो तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 2500 रुपये था उसे 4000 रुपये में लेने का निर्णय किया। तो यह निर्णय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था और एक बड़ी आर्थिक समस्या जो उस क्षेत्र में थी उसे दूर करने के में एक छोटा सा प्रयास तो हम इसे कह सकते ही हैं। सरकार ने इस सेक्टर पर काम करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत 50,000 महिलाओं को स्वसहायता समूहों के माध्यम से जोड़ने का कार्य है और इन 50,000 महिलाओं के माध्यम से उस क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास में, आप चाहे लकड़ी के सामान बनाने के संबंध में हो, चाहे मेल मेटल के संबंध में हो, हर्बल कृषि पैकेजिंग के संबंध में काम हो, इन सब के लिए स्वसहायता समूहों में लगभग 50,000 महिलाओं को जोड़ने का कार्यक्रम सरकार ने बनाया है। तो इस प्रकार से देखें तो कुटीर उद्योगों के विकास में सरकार काफ़ी जागरूक है और लोगों का विकास चाह रही है। हमारा अगला पॉइंट था कि सिंचाई और कृषि के सेक्टर में सरकार वहाँ क्या कर रही है। तो आप देखें अगर हमारे जो वनांचल क्षेत्र हों, चाहे वह बलरामपुर सूरजपुर का क्षेत्र हो या हमारा सुकमा दंतेवाड़ा और
नारायणपुर का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर कृषि क्षेत्र बहुत ही कम है और सिंचाई की सुविधा तो लगभग ना के बराबर है। जैसे दंतेवाड़ा और नारायणपुर में तो सिंचित भूमि का परसेंट 0 से 1% के बीच ही आपको देखने को मिलता है। तो सरकार इस सेक्टर के लिए भी गंभीर प्रतीत होती है और सरकार ने इंद्रावती में नदी के संरक्षण के लिए इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किया और इसके माध्यम से उस क्षेत्र में जो प्रमुख नदी है बस्तर क्षेत्र में उसके संरक्षण पर अपना कार्य किया। और साथ ही यह देखा गया कि इंद्रावती नदी के कारण भूमि का कटाव अधिक बढ़ रहा है और इसके किनारों में वनों की कमी हो गई या कहें हम वृक्षों की कमी हो गई है। तो लगभग 6 लाख वृक्षों के वृक्षारोपण का सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया कि हम इंद्रावती के नदी के आसपास के इलाकों में लगभग 6 लाख पौधारोपण करेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो आप कृषि और सिंचाई के लिए भी सरकार गंभीर प्रतीत होती है। यदि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जो मुख्य ध्यान है वह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या शिक्षा की ओर आए। इसमें जो एक बड़ी भूमिका प्रयास जैसे विद्यालय निभा रहे हैं, साथ ही सरकार ने वहाँ प्री मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण प्रारंभ किया और एक बड़े स्तर पर इन छात्रावासों का निर्माण करने का निर्णय लिया और इन छात्रावासों में आवास और भोजन के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसे बढ़ाने का निर्णय लिया। तो ये प्रयास भी एक बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करें और वे शिक्षा की ओर जागरूक होने के लिए आगे बढ़ें। साथ ही सरकार का जो एक अहम पड़ाव है या अहम कार्य है इस पद्धति में वह यह है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे NMDC जैसे, इनके जो CSR का पैसा है जो इन्हें खर्च करना होता है उसके बड़े हिस्से को इन्होंने यह तय किया कि ये क्या करेंगे, स्थानीय स्तर पर शिक्षा पर खर्च करेंगे। साथ ही CSR के जो पैसे होते हैं उसे खर्च करने का अधिकार इन्होंने प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायकों को दिया। इससे वे स्थानीय विधायक ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इन वनांचलों का विकास किया जा सकता है। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम रहा सरकार का। हम ये जो पूरा निबंध लिख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या कार्य उन क्षेत्रों में किए हैं, हमें यही लिखना है। क्योंकि हमारे निबंध का टॉपिक ही यह था कि वनांचलों के विकास किस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है। तो ये कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि हम सरकार के कार्यों को यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई निबंध का टॉपिक आता है तो हमें सरकार की योजनाओं को सरकार के कार्यों को शामिल करना ही होगा। अब हम देखें अगर तो और क्या कर रही है सरकार। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार मेहरार चौमान जैसी एक योजना चला रही है जिसके माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं और बच्चियों को सैनिटरी पैड वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जागरूकता फैलाना ही इस क्षेत्र में एक अहम काम होगा। बिना जागरूकता के किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार ने कुपोषण मुक्ति अभियान, सुपोषण अभियान और मलेरिया मुक्ति अभियान इन्हीं क्षेत्रों से प्रारंभ किए जिससे इस क्षेत्र के लोगों में जागरूकता आए और ये विभिन्न बीमारियों से और कुपोषण जैसी समस्या से बच सकें। तो सरकार का यहाँ पर भी एक सकारात्मक कदम दिखता है कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। हमारा अगला पॉइंट था कानूनी संरक्षण से, कि हमने ये कहा था कि इस क्षेत्र के लोगों का शोषण हुआ है, तो शोषण के लिए हमने कहा कि कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। तो कानूनी संरक्षण के संबंध में सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो कानूनी संरक्षण के संबंध में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए वन अधिकार पट्टा देने का प्रावधान किया। वन अधिकार पट्टों के माध्यम से इस क्षेत्र में वनों की भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को माना। अब तक लगभग अगर आप देखें धमतरी और कोंडा गांव में इसे वृहद स्तर पर किया गया है। लगभग 20,000 एकड़ जमीन धमतरी और कोंडा गांव क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा के माध्यम से आदिवासियों को दी जा चुकी हैं और अन्य जिलों में सरकार सक्रिय रूप से इसको देने के लिए कार्य कर रही है। तो वन अधिकार पट्टा देना कानूनी संरक्षण के संबंध में एक अहम कदम है। साथ ही सरकार ने यह निर्णय लिया कि यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पिता के जाति के अनुसार उसके जन्म के साथ ही उसका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए। यह देखा गया था कि आदिवासी जनसंख्या जो बहुत अधिक शिक्षित नहीं थी उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत कठिनाइयां आती थी, तो इसको सरकार ने इस तरीके से माना कि बच्चे के जन्म के साथ ही उनके पिता की जाति के आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए। तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। साथ ही हम देखते हैं कि सरकार ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए पेशा एक्ट
पंचायती राज अधिनियम से संबंधित एक अधिनियम है जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्थाएँ हैं उसमें ग्राम सभा की जो भूमिका होगी वह महत्वपूर्ण होगी और ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर ही उस क्षेत्र में कार्य किए जा सकते हैं। पेशा एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों और वनांचल क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रखने के लिए इनकी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था और साथ में ही ग्राम सभा की भूमिका को अहम बनाया गया था। हाल ही में आपने देखा था कि नंदीराज पर्वत या नंदीराज में खनन के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है, इस प्रकार से वहाँ पर एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। ग्राम सभा का कहना यह था कि आसपास के लोगों या ग्राम सभा का वहाँ के निर्णय यह था कि हमने किसी प्रकार की यहाँ पर अनुमति नहीं दी है और वर्तमान में जांच में यह पाया गया कि फर्जी तरीके से यहाँ पर ग्राम सभा की अनुमति ली गई थी और जो गांव के लोग थे उनकी कोई भी अनुमति वहाँ पर नहीं थी। तो इसे सशक्त करने के लिए कि पेशा कानून के तहत ही वहाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ग्राम सभा के निर्णय लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, इसके लिए भी सरकार ने कमेटी गठित की और यह निर्णय लिया कि इन क्षेत्रों पर पेशा कानून बहुत अच्छी तरीके से लागू हो। तो इस तरीके से आप देखें तो इन क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया वह यह था कि जो बस्तर प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण थे, इन प्राधिकरणों के जो अध्यक्ष होते थे वे स्वयं मुख्यमंत्री होते थे। तो मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया या सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक होंगे जो स्थानीय रूप से समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए वर्तमान में इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष उन क्षेत्रों के स्थानीय विधायकों को बनाया गया है। तो यह भी सरकार का एक सकारात्मक कदम दिखता है वनांचल क्षेत्रों के विकास के संबंध में। हमारा अगला पॉइंट था नक्सलवाद, कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो सरकार ने इस सेक्टर में भी काम करने के लिए कदम उठाया है। बातचीत हमेशा एक रास्ते के रूप में है, यह सरकार ने निश्चित रूप से कहा है और क्षेत्र का विकास ही नक्सलवाद जैसी समस्या का अंत है, यह सरकार बहुत अच्छे से मानती है और इसलिए विभिन्न कार्यक्रम इन क्षेत्रों पर चला रही है। तो विकास नक्सलवाद को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएगा और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार सरकार का यह भी मानना है कि हम इन लोगों से बात करने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही सरकार ने जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें इन्होंने किसी भी प्रकार की फर्जी मुठभेड़ और अगर किसी आदिवासी या वनांचल क्षेत्रों के लोगों को फर्जी तरीके से जेल में यदि बंद किया गया है तो उसकी जांच की जाए और यदि यह पाया जाता है कि किसी को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया जाता है उन्हें जेल से मुक्त किया जाए तथा इसके संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यह भी आप देखें तो सरकार एक सकारात्मक कदम बढ़ा रही है लोगों का विश्वास जीतने के लिए। और हमने अगला पॉइंट अपना रखा था कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के विकास में सरकार अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रही है। तो आपने देखा कि फरवरी माह में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के लोग हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को समझ पाए और इन देशों के लोग और अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आए और इन्होंने समझा और हम भी इन्हें समझ पाए। तो जो छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर केवल नक्सलवाद के नाम से जाना जा रहा था वह सांस्कृतिक रूप से भी वर्तमान में जाना जाने लगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं यदि तो छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्य कर रही है। अब इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप अपना एसे लिख सकते हैं। आज हमने जो एसे बनाया वो बहुत कंटेंट बेस्ड था। पहले हमने बेसिक रूप से सोचा कि किन पॉइंट्स पर हम लिख सकते हैं और उनके आधार पर सरकार की योजनाओं को हमने कंटेंट के रूप में लिया। अब इसके निष्कर्ष के रूप में आप यह लिख सकते हैं कि सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं लेकिन जो योजनाएँ लागू की जाती हैं उनमें लागू करना और उनको परिणति मिलना, उनका रिजल्ट मिलने में कुछ वक्त लगता है। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी गंभीर है, सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं पर इनका परिणाम आने में कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन अगर भी सामाजिक रूप से हम और सरकार मिलकर कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वनांचल क्षेत्रों का विकास छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से उभर कर आएगा और एक समृद्ध छत्तीसगढ़ बनकर आएगा। जो हमारे राज्य की टैगलाइन है गढ़ो नवा छत्तीसगढ़, वह हम साकार कर पाएंगे वनांचलों के विकास के माध्यम से ही। तो इस प्रकार इस कंटेंट को देखते हुए आप अपना इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद।
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।